एसआर खाना ब्लॉग लाया है इस बार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही शानदार, क्योंकि इस बार होगी 300 साल पुरानी हवेली और इस ब्लॉग को हम लोग इंजॉय करेंगे और देखेंगे बहुत ही जबरदस्त। हेलो गाइज, मैं हूं रमेश खन्ना, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आ गया हूं सिजौना गांव और यहां पे बहुत ही खूबसूरत हवेली है गाइज, और देखेंगे इस हवेली को संजय भाई के साथ में। तो लेट्स गो गाइज। चलिए आप अंदर। तो गाइज, आज मेरे साथ में संजय भाई है और ये जो पुरानी हवेली देख रहे हैं आप, और 3000 साल पुरानी हवेली है ये। हाँ जी, ये हमारे गब्बर सेठ है, जो पंजाब से चल के आए हैं। तो आप लोग पंजाब के हिसाब से देख रहे हैं आईपीएल में। हाँ जी, इनका नाम प्रकाश है। ठीक है, ये इस हवेली के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये दरवाजा लॉक है, अभी दरवाजा दादा आ रहे हैं। दादा हमारे सामने हैं, उनके साथ आप कैमरा कर सकते हैं। अभी दादा आएंगे, अभी दरवाजा दादा कर सकते हैं कि चाबी कहाँ है। और अभी खुलेगा, इसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे, उसकी खुशियाँ देखेंगे, जानेंगे क्या है। वाह, क्या सीन है। बोले बेटा, हवेली देखना है। हेलो गाइज, मैं हूँ रमेश खन्ना और फाइनली मैं आ गया हूँ ये पुरानी हवेली में। तो गाइज, आज दिखाएंगे इस हवेली को और बताएंगे इसके बारे में। तो लेट्स गो। कुएं का शॉट है सर, यहाँ से रस्सी खींच के क्या शॉट है यार, क्या गजब का हवेली है दादा। आंगन ना, आंगन आंगन। और यहीं पे मैं सुना था वो शूट हुआ था इसका। गाइस, अतरंगी मूवी आपने देखी होगी, तो जब हीरो को उठा के लाते हैं वो यहीं पे उठा के उसको लाए थे गोनी में बंद करके। और यही वो हवेली देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। यहीं पे हुआ था। और ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पे हीरोइन अपनी भागती है। चलते हैं सीढ़ी से ऊपर। ऊपर देखिए डिजाइन ही देखिए, देखो पानी काटने वाले जैसे कुआं देखिए ना, कुआं डिजाइन। ओ माय डियर, इधर राजा इधर रानी, बहुत पुराना है ना। बहुत पुराना, ये पूरा पत्थर की तरह अंग्रेज से बना है। सही में गाइस, बहुत ही पुराना हवेली है और यहाँ पे अक्सर शूट वीट भी होते रहता है, क्योंकि काफी दूर है। करीबन ये बहुत दूर है भाई, चकिया चंदौली। चकिया चकिया चंदौली है दादा, बनारस से। बताओ, तो अभी ऊपर चलते हैं और हमारे साथ में संजय भाई है जो बताएंगे हवेली के बारे में। इनके साथ ही हम ऊपर जाते हैं अभी। छत्रपति सिंह नाम की हवेली, बाप रे, इनके पास कम से कम 2200 दुकानें हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2200, 2200 दुकानें अभी भी इनके फिलहाल चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया सर। संजय भाई, ऑडियंस जानना चाहती है कि हवेली तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये किस कौन से राजा की है, थोड़ा आप बता सकते हैं। हाँ, ये जो राजा करके है वो कम से कम ये छत्रपति सिंह करके कुछ है उनका नाम जो है जी। ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, ये बहुत भारी जगहों पे उनका, इधर से चारों तरफ उन्हीं का ये सब है। हाँ, ये छोड़ दिए है, बाकी यहाँ के वर्कर मजदूर जो लोग है देखते हैं, बाकी उनका जो दूसरी हवेली है जी वहाँ पे वो लोग रहते हुए है। जैसे कि रामनगर का किला हो गया। हाँ जी, अपना बनारस का हो गया, फिर ये सब ऐसे मोतीचूर बनारस हो गया, तो उससे ज्यादा काफी बड़ी ये प्रॉपर्टी है उसकी। हाँ जी, वहाँ का और ये हवेली का दूसरा है, बहुत बड़े आदमी वो है जी सर। बाकी जो जानकारी है, बाकी ये आंगन है, आंगन दिखा देते सर। ये आंगन है सर जी, जहाँ पे फिल्म अतरंगी हुई थी शूट। संजय भाई, आप ऑडियंस को बताइए कि ये बनारस स्टेशन से कितनी दूरी पे सर? ये बनारस स्टेशन से कम ये 65 किलोमीटर की दूरी है जी। जो ये हवेली कम से कम बहुत बहुत साल पुरानी हवेली ये है। हाँ, और इस हवेली में हम लोग जो कि यहाँ आए हैं देखने के लिए क्या है कैसी है किस हिसाब से है,
ये कम से कम ये सिझौना एक गांव करके है। हाँ जी, हाँ सिझौना गांव करके वहाँ पे हम लोग आए हैं इस हवेली में, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, हमारे इधर घूमने के लिए टूरिस्ट आई हुई, ये भी घूम रहे हैं अकेले, कहीं उनको फिर क्या ऐसा कुछ भ्रम न हो जाए, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। इधर देखिए बहुत सी जगह इधर रखा हुआ है जी, ठीक है। अब बाकी इसके बारे में जो जानकारी है इसके आगे हम देते हैं। ओके सर। हाँ जी, ये मैम कौन है? टूरिस्ट है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, घूमने के लिए आए ना जी। यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है। हाँ जी, बारिश हो रहा है और बारिश में देख के हम लोग भीग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। ओहो, अरे आपकी छतरी उल्टी हो गई सर। छतरी जो है हैं, हवा चल रही है, छतरी है कोई। अच्छा, अच्छा मैम टूरिस्ट है, मतलब इनको भी अच्छा लग, अच्छा फील हो रहा होगा यहाँ पे। यस, यस, यस। जी सर। और यही ये कॉरिडोर है जहाँ पे सारा जी, सारा अली खान जी भागी थी, ये देख सकते हैं। गाइस, हवेली देखिए तो दिल बाग बाग हो गया है, बहुत ही मजा, बहुत ही जबरदस्त हवेली है। और इसको घूमने के तो पूरा एक दिन आपको लग जाएगा, अगर पूरा घूमे तो शायद जो घूम ले, हाँ घूम ले शायद, अगर घूम ले बाकी आपको ये दूसरी गली ले चलते हैं। दूसरा दरवाजा, यहाँ पे तीसरा दरवाजा और यहाँ पे चौथा दरवाजा। कितना खुफिया रास्ता है, देख सकते हैं पुरानी चीजें। अपना सेफ्टी बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे विशाल भाई घूम रहे हैं, हवेली देखने आए हैं। और बताइए कैसे आए हैं? थोड़ा ये भी घूमने आए हैं। और बहुत बहुत मस्त लगेगा आपको जी, बहुत मस्त लोकेशन है, कहीं आप इसके अंदर आएंगे ना, हाँ। दिल एकदम भर जाएगा, क्या हम बताएं। आप अंदर आना सर, आना चाहते हैं जी? बिल्कुल आइए, घुमाते हैं जी, और जगह आपको दिखाते हैं, भी कैसे आपको मौज देते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलिए, अरे मैडम वहाँ पहुँच गए। थैंक यू सो मच संजय भाई, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और ऑडियंस को यहाँ पे आना रहेगा तो भाई जरूर आइए, क्योंकि बहुत पुरानी हवेली है ना।